खबरिया रोई तने तब घर की सीध लगाई है। सुनी खबरिया रोई तने तब घर की सीध लगाई है। के राजा इंद्रदेव बेटा की गई अगाई है। रोहितास ने जब ये सुना कि हमारे कारण हमारे पिता को कुष्ठ रोग हो गया तो ये घर की तरफ चलने के लिए तैयार हुए हैं, तो इंद्र ने रोक लिया। बेटा बोले अभी तुम अगर अपने घर पर चले गए तो तुम वरुण देवता के यज्ञ में चले जाओगे। बोले फिर क्या करें, जब आ गया तुम ऐसा करो तुम अपने बदले में किसी दूसरे लड़के को लिए जाओ, उसे यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम बच जाओगे। तो रोहितास जो थे ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे, अधिगर्व जिनका नाम था और जिनके घर में तीन लड़के थे। अजीगर से ये कहा ऐसा करो आप अपना एक लड़का हमें दे दो और उस लड़के के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर कहते हैं देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, फिर रानी की इच्छा है आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। बीच वाला जो लड़का था जिसका नाम था सुनासेस उठ करके खड़ा हो गया। जब आप ये रोहितास ना ही हम पिता को प्रिय है और ना ही माता को प्रिय है, आप ऐसा करो आप मुझे ले चलो क्योंकि मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है तो मेरा शरीर ये वरुण देवता की काम में आना है। रोहितास ने 100 गाय दी और सुनासेस को साथ में लिया और ये चले। रास्ते में विश्वामित्र मिल गए, सारी बात पूछी बेटा कहाँ जा रहे हो, रो रो करके बता दिया मैं वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने के लिए जा रहा हूँ। समझाया है ये वहां से वरुण देवता जो हरिसन के यहाँ पर यज्ञ के इंतजार में, विश्वामित्र भी सामने पहुंच गए और विश्वामित्र ने जब यज्ञ किया मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर दिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो तुम उनसे वरदान मांग लो। वरदान में सुना शेष को ही मांग दिया, यज्ञ भी हो गया बल भी नहीं चढ़ाई गई। लेकिन जिस दिन से महाराज कृष्ण ने वरुण देवता का यज्ञ किया उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना दान करना। अब तो हरिसन का नाम रोशन होता चल गया, प्रजा के लोग अगर कहते हैं तो यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिसन जैसा। हरिसन के नाम की बढ़ाई में ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। वशिष्ठ कहते हैं वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा। बात विश्वामित्र जी को अच्छी नहीं लगी, बोले तुम हरिसन को सत्यवादी कह रहे हो, तुम हरिसन को दानी कह रहे हो। भाई हरिसन जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया जो हमारे भांजे को लेके गए, किसत होता है प्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है।
हर संत को दानी कह रहे। वही हर संत जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं किया, वही हर संत जो बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला, बड़ाई तुम करो हम नहीं कर सकते। संत को तुम दानी कहो मैं नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के वशिष्ठ में और विश्वामित्र जी घोर संग्राम हुआ। पक्षी बनकर के नभमंडल में बरसों तक यूं ही लड़ते रहे, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं हुआ।